പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പെയിന്റിംഗ് 2 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി നൽകി വാങ്ങാൻ റാണ കപൂറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആരാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ. ഈ ഇടപാട് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡിന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ എന്നും പണമുണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലെ എത്ര അവാർഡുകളും പെയിന്റിംഗുകളും കോൺഗ്രസ് വിറ്റു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. दुनिया भर में चर्चे പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിജി के भ्रष्टाचार के मॉडल के हैं. पेंटिंग के बदले पद्मभूषण, पैसे के बदले पद्मभूषण, और उस पैसे का दुरुपयोग दुनिया के एक हिस्से में कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर खर्च करने पर भी है. आखिरकार ये मजबूर किसने किया था पेंटिंग खरीदने के लिए? ये 2 करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किसने किया था? और पेंटिंग के बदले पद्मभूषण देने की ऑफर किसने की थी? किसके मकान पे ये सब सौदा हुआ था? ये राष्ट्र को अपमान करने का काम तो दुनिया के देशों से करते हैं, अब राष्ट्र के सम्मान को बेचने का काम भी, पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स को बेचने का काम भी करते हैं. ऐसे कितने पद्म अवार्ड्स को बेचा गया, ऐसे कितने पदों को बेचा गया, ऐसे कितने भ्रष्टाचार किए गए, इस पर जवाब प्रियंका गांधी जी को देना होगा. मिस्टर आर कौन है? क्या 2 करोड़ ही लिए, ज्यादा लिए? मिस्टर आर की भूमिका क्या थी? और ऐसा कौन व्यक्ति जिसके ऊपर विदेश में पैसा खर्च किया गया अमेरिका में? ये अगर विदेश के लोग आज आपके भ्रष्टाचार के मॉडल की बात करते हैं तो जवाब देना होगा गांधी परिवार को कि भ्रष्टाचार के कितने मॉडल और आपके पास हैं.